मूली खाने के बाद गलती से भी न खाएं ये दो चीज़ें, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ घरेलू उपचार चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं कि वे कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपको कभी भी मूली खाने के बाद नहीं खानी चाहिए, वरना आपके शरीर को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मूली खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे खाने से पेट की सभी बीमारियाँ दूर हो जाती है और साथ ही पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। सीजन में मिलने वाली मूली से हमें कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। केवल मूली ही नहीं बल्कि मूली के पत्ते भी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। मूली के पत्ते पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। मूली का सेवन लगभग हर घर में किया जाता है, सलाद के रूप में या सब्जी के रूप में, दोनों ही तरीके से मूली को काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है। मूली में प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। लेकिन मूली खाने के बाद हमें कई तरह की सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें मूली खाने के बाद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी दो चीज़ें हैं जिन्हें मूली खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, तो ये वीडियो आखिरी तक पूरा देखते रहिए और साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए जानते हैं उन दो चीज़ों के बारे में जिन्हें मूली खाने के बाद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। नंबर एक, करेला। दोस्तों, मूली खाने के बाद कभी भी करेले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग मूली खाने के बाद करेले का जूस, सब्जी या फिर करेले का किसी भी रूप में सेवन करते हैं, तो ये उनकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर आप भूलकर भी मूली खाने के बाद कभी भी करेले का सेवन करते हैं, तो ऐसा करने से मूली और करेले का पेट में रिएक्शन हो जाता है, जो अनेक बीमारी को न्योता देता है। जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप मूली के बाद करेले की सब्जी खाना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में करीब 24 घंटे का अंतर होना चाहिए। नंबर दो, संतरा। दोस्तों, मूली खाने के बाद कभी भी संतरे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूली और संतरे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, जो एक साथ पेट में जाने के बाद रिएक्शन कर देते हैं। इसलिए भूलकर भी मूली और संतरा एक साथ ना खाएं। अगर आप खाना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में करीब 24 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।